हम लोग देखेंगे कल्पित माध्य विधि से माध्य कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, कल्पित माध्य। तो तुम लोग के एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, उसी के एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और उससे हम लोग बढ़िया से समझ लेंगे कल्पित विधि से जो है मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन था तुम्हारे पास श्रेणी 25 से 35, 35 से 45, सो ऑन जा रहा है। ठीक है, संख्या हमारे पास 4, 10, 8, 12, 6 दिया हुआ है। हमने इसको ऐसे उतार लिया जैसा कि हम हर वीडियो में बोलते हैं, ऐसे उतार लेना कॉपी में वर्टिकल कॉलम बना करके। अब हमारे पास क्या क्या निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को माइंड में सेट करेंगे कि फॉर्मूला क्या था। तो फॉर्मूला हमारे पास मीन का था ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, जहां पर d का वैल्यू होता था x माइनस a। क्या होता था, x माइनस a। तो सबसे पहले बात यह है कि x क्या है, तो x क्या है अभी पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, क्या है, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकाल रहे थे, इन दोनों को जोड़ रहे थे और दो से डिवाइड कर रहे थे, यानी इन दोनों को जोड़ो तो 25 और 35 हमारे पास हो जाएगा 60, 60 को दो से भागा दोगे तो हो जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के दो से भागा देना है तभी एक्स आता है। ठीक है ना, अब अगली बार जो बनाना है उसमें भी जोड़ के तुम भागा दे सकते हो, लेकिन मैंने बोला था कि नहीं ऐसा टफ मतलब ज्यादा टाइम लेगा उतना नहीं करना है, तुमको क्या करना है 30 में जोड़ना है। क्या जोड़ना है, इन दोनों को माइनस करके जो आएगा, तो 35 और 25 को घटाओगे तो 10 आएगा, यानी 10 जोड़ते जाओ तो 30, 40, 50, 60, 70, समझ में आना है। अब इसको जोड़ के तुम दो से डिवाइड करोगे ना तब भी यही आएगा, मतलब हर जगह हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमको क्या करना है एक निकालेंगे और जोड़ते जाएंगे। तो हमारे पास एक्स मिल गया। अब एक्स में किसी भी एक वैल्यू को हम ए मान लेंगे, याद रखना बार बार बोल रहा हूं, एक्स में किसी भी एक वैल्यू को ए मान लेंगे। ठीक है, अब हम किसको ए मानेंगे, तो तुम जिसको चाहो उसको मान सकते हो। ठीक है, लेकिन सुविधाजनक यही होता है कि बीच वाला माने, तो हम बीच वाला ए मान लिए, हम 50 को ए मान लिए, समझ में आ रहा है, किसी को भी मानोगे तो आंसर आएगा, लेकिन मैं 50 को मान रहा हूँ, बीच वाला मानोगे बेहतर होगा। अब देखो क्या है, अब हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मेथड में हम लोग सिग्मा एफ एक्स निकाल रहे थे, सिग्मा एफ एक्स यहाँ एक्स होता था, तो सिग्मा एफ एक्स जब निकाल रहे थे तो देखो एफ का एक्स में गुणा कर रहे थे, और यहाँ सिग्मा एफ डी निकाल रहे हैं मतलब एफ का डी में गुणा करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि d हमको पहले निकालना पड़ेगा, तो d निकालना पड़ेगा, तो d का एक अलग कॉलम बना लो x माइनस a, ध्यान से करना, क्योंकि देखो अगर इसको ध्यान से करोगे ना इस मेथड को तो ये बहुत ही इजी है। ठीक है, बस थोड़ा कैलकुलेशन जो है ध्यान से करना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम d बनाएंगे तभी तो हम एफ डी कर पाएंगे, गुणा कर पाएंगे। ठीक है, तो d का वैल्यू क्या है, x माइनस a, तो देखो x ये है और a ये है, यानी हम 30 माइनस 50 लिखेंगे, आएगा हमारे पास माइनस 20, आएगा ना, x माइनस है, तो फिर देखो 40 माइनस 50 करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा माइनस 10, ध्यान से देखो, फिर 50 इस x का वैल्यू a से घटाएंगे, तो a का वैल्यू 50 है ना, 50 यानी 0, फिर देखो 60 में से हम फिर 50 को घटाएंगे 10, और फिर हम 70 में से 50 घटाएंगे 20। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब देखो जो ये वाला x का वैल्यू था जो माने थे a उससे घटाएंगे, यानी 50 से घटाएंगे, जो माने थे उससे घटाते जाएंगे, और देख रहे हो ना ये रिवर्स हो गया, माइनस 20 माइनस 10, यहाँ प्लस 10 और प्लस 20, तो ऐसा ही वैल्यू तुमको अभी मिलेगा देखने के लिए, सिमिलर वैल्यू मिलेगा। ठीक है, देखने में एक जैसा होगा, बस प्लस माइनस का इधर उधर होगा, तो बार बार बोल रहा हूँ 50 जो मानोगे उसको सब में से माइनस करना है, तो वो आएगा हमारे डी। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट कॉलम इसमें एक और बनाएंगे, देख रहे हो ना कॉलम्स का नंबर इसमें ज्यादा है, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से करोगे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मतलब गलत हो जाएगा। तो एफ डी निकालना है, एफ डी मतलब एफ का डी से गुणा, यानी 4 का 20 में गुणा यानी माइनस 80 है ना, 10 का 10 में यानी माइनस 100, 8 का 0 में यानी 0, 12 का 10 में 120, 6 का 2 में 120। ठीक है, अब हमको निकालने की जरूरत है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ हमारे पास दिया हुआ है, जोड़ के हम लोग ने देखा था 40 आया है, अब चाहिए सिग्मा एफ डी, यानी इसको जोड़ेंगे, तो देखो इसको जब जोड़ोगे तो ध्यान से जोड़ोगे। ठीक है, कैसे ध्यान से, ये दोनों माइनस में है,
ये दोनों प्लस में है और ये जीरो है, ठीक है। तो माइनस वाले को पहले जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस 180, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 240। अभी 240 180 को जोड़ोगे तो देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, इसका मतलब जुड़ेगा नहीं, ये घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यानी 240 में से 180 घटा दोगे। कुल मिलाकर के इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसको जोड़े क्योंकि प्लस में है, इसको माइनस में है, तो इनको एक साथ जोड़ लिए। अब ये प्लस वाले माइनस वाले को एक साथ माइनस कर दोगे तो माइनस करके तुम्हारे पास आ जाएगा 60। क्या आएगा, 60, ठीक है ना। तो अब हम निकाल लेंगे वैल्यू, क्या है हमारा मेन का फॉर्मूला, ए ए का वैल्यू क्या है, 50 था, 50 रख दो। सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी कितना था, 60 रख दो। सिग्मा एफ कितना था, 40, 40 भी रख दो। 0 0 कैंसिल कर दो, 50 प्लस 6/4 यानी 2 3 2 2 यानी 50 प्लस 3/2 यानी 50 प्लस 1.5 यानी 51.5। देख रहे हो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जब सवाल करोगे तो देखोगे गुणा बहुत बड़ा बड़ा आता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग कल्पित माध्य मेथड लेते हैं तो उसमें गुणा भाग थोड़ा छोटा हो जाता है। तो देखो कल्पित माध्य इजी है, लेकिन इसको ध्यान से करना है कि डी कैसे निकालना है, ठीक है, एफ डी कैसे निकालना है, ये सब ध्यान से करना है। इसमें देखो कॉलम्स मेरे पास 1 2 3 4 5 कॉलम आ गए, ठीक है, और डायरेक्ट मेथड में कॉलम की संख्या इससे थोड़ी कम थी, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट एज्यूम मीन मेथड कल्पित माध्य। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा, यानी स्टेप डेविएशन मेथड।